तो जो मैं बात बोल रहा था एम्फीबॉलिक की, आपने एक तरफ तो देखा कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोलिसिस हुई, अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम ए बना और वो क्रैब साइकिल में चला गया, ठीक है। दूसरी तरफ अब जरूरी नहीं कि आपका पाइरूवेट जो है वो भाई आपका कार्बोहाइड्रेट से ही मिले, हो सकता है आपका प्रोटीन जो है बेटा उसका ब्रेक डाउन हो जाए, उससे बने अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड आपका पाइरूवेट बना दे। मैंने पीछे ही समझाया था अभी ऊपर स्लाइड में कि भाई ग्लूकोज से आपका पाइरूवेट बनता था, पाइरूवेट जरूरी नहीं अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो गया और अमीनो एसिड से प्रोटीन बन गया, और फिर यही प्रोटीन अमीनो एसिड बना के अगेन आपका पाइरूवेट बना सकता है। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल, अगेन वही चीज मैंने सेम यहाँ दिखाई कि पाइरूवेट से क्या बन गया आपका, आपका पाइरूवेट सॉरी आपका अमीनो एसिड से क्या बन गया बच्चों, आपका पाइरूवेट बन गया। दैट इज दूसरी तरफ आपका हो सकता है ये अमीनो एसिड आपका एसिटाइल कोए एंजाइम भी बना सकता है, इट कैन ऑल्सो फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए से आपका अमीनो एसिड बन सकता है और ये अमीनो एसिड प्रोटीन बना देगा आपका, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये आपका प्रोटीन से आपने देख लिया मेटाबॉलिज्म यहाँ पर। देन आपका फैट आ गया भाई, कि फैट में आपका क्या था, फैटी एसिड दैट इज ग्लिसरॉल आपका आ गया था इसमें, है ना, आपका फैटी एसिड हो गया दैट इज ग्लिसरॉल। अब ये ग्लिसरॉल जो है इसमें बेटा ये कहाँ जाके इन्वॉल्व हो गया, आपका फॉस्फोग्लिसराइड यानी 3-फॉस्फोग्लिसराइड बनाने, ठीक है, उसमें बनाने में यूज हो रहा है, ये बना सकता है आपका। हो सकता है आपका फैटी एसिड जो है ये सीधा सीधा आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बना दे और एसिटाइल कोएंजाइम में फैटी एसिड बना दे। तो अब आपको इस पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है, इस पिक्चर से आपको एक चीज दिखनी चाहिए कि बेटा आपके ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है बेटा ये इंटरकनेक्टेड है, दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। जरूरी नहीं कि आपका भाई एसिटाइल कोएंजाइम ए आपको कार्बोहाइड्रेट से ही मिले, आपका प्रोटीन से भी मिल सकता है, आपको फैट से भी मिल सकता है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए पाइरूवेट जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिले, इट इज नॉट मैंडेटरी, वो प्रोटीन से भी बन सकता है, और पाइरूवेट आपका अगेन ग्लूकोज बनाए, इट इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी, आपका पाइरूवेट आपका अमीनो एसिड भी बना सकता है जिससे कि प्रोटीन बन जाए। तो ये सारी चीजें आपकी सारी रिएक्शन क्या है, इंटरकनेक्टेड है और रिवर्सिबल है, इज इट क्लियर नाउ। इसी को आप क्या बोल रहे हो, एम्फीबॉलिक पाथवे बोल रहे हो। डन बच्चों, अविनाश, वर्षा, जनक, रितका, इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों, आप समझ में आई बात? यस सर। चलो ठीक है ना, तो ये था आपका रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जो मुझे आपको समझा रहा था, दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो आपको पीछे तक समझ में आई वही चीज मैंने आपको रिपीट करी। और देखो जो मैंने अभी बात बोली कि भाई आपका ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बनता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, इस टेबल को देख लो, ये आपकी ग्लाइकोलिसिस है जहां ग्लूकोज से आपका पाइरूवेट बनता है, ठीक है, हाँ जी ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि ग्लूकोज से पाइरूवेट ही बने, पाइरूवेट से आपका ग्लूकोज भी बन सकता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस चीज को मार्क कर लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब पाइरूवेट से ग्लूकोज को बनना, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, इज इट क्लियर बेटा। यहाँ पे आपका पाइरूवेट या आपका लैक्टिक एसिड ये वापस क्या बना सकता है, ये आपका ग्लूकोज बना सकता है। ग्लूकोज से पाइरूवेट बना दैट इज ग्लाइकोलिसिस, पाइरूवेट या लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बन रहा है दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, इज इट क्लियर? ठीक है शिल्पा, ओके। रितका, वर्षा, जनक, इज इट क्लियर? यस गुड, ठीक है ना, तो इस पॉइंट को ध्यान रख लेना, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है दैट इज इंपॉर्टेंट। तुम्हें टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, अगेन वही सब, हाँ, तुम्हें बस यहाँ पे ये चीज देखनी है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब आपका पाइरूवेट से ग्लूकोज बन रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर चैप्टर बेटा, यही था बस जो मुझे समझाना था आपको, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके।